नमस्कार, स्प्रिट न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं वंदना हंस। भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने एक इवेंट के दौरान किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिए बिना कहा, नेतृत्व क्षमता वह नहीं है जो लोगों को गलत दिशा में लेकर जाती हो। आज हम सब बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों की अगुवाई में कई शहरों में भीड़ और लोगों को हिंसक प्रदर्शन करते देख रहे हैं। ये नेतृत्व क्षमता नहीं है। इसके अलावा भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा, जब हम दिल्ली में खुद को सर्दी से बचाने के लिए पोशाक पहने खड़े हैं, मैं अपने उन जवानों को सम्मान देना चाहता हूं जो सियाचिन में सालतोरी ब्रिज पर मुस्तैद खड़े हैं और उन्हें भी जो ऊंचाइयों पर मौजूद पोजीशन पर पहरा दे रहे हैं जहां तापमान -10 से -45 डिग्री रहता है। वहीं आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पास होने के बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया, जहां एक लंबी बहस के बाद ये बिल पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद ये नागरिकता संशोधन कानून बन गया। इस कानून के विरोध में असम, बंगाल समेत देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गई। 15 दिसंबर को इस कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। इस प्रदर्शन में कई छात्रों समेत पुलिस के कुछ जवान भी घायल हो गए। जामिया की घटना के अगले दिन 16 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सिलमपुर में जमकर प्रदर्शन हुए। 17 दिसंबर को देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में देश के कई यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुए। कई यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी 2020 के लिए बंद कर दिया गया है और छात्रों से हॉस्टल खाली कर लिए गए हैं। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 19 दिसंबर 2019 को देश के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चाहे जितना भी विरोध हो, इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। आप ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे स्पिरिट न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी वंदना हंस और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।